हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूनिक प्रेपअप। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में, जो एएमयू ने निकाले हैं उसके लिए। उसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर। जब आप ये सर्च करते हैं तो जो पहला लिंक आपके पास आएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, उस पर क्लिक करके आप वेबसाइट ओपन कर लीजिए। वेबसाइट ओपन करते ही यहाँ पे नोटिसेज एंड अपडेट्स में आपको पहला नोटिस ही दिख जाएगा कि रिजल्ट ऑफ बीए ऑनर्स बीएलएलबी एडमिशन टेस्ट डिक्लेयर्ड। इसके अलावा इससे पहले आया था 11th का रिजल्ट आया था साइंस ह्यूमैनिटीज़ कॉमर्स के लिए, और डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का रिजल्ट आया था। क्योंकि इनका 11th क्लास का रिजल्ट और डिप्लोमा इंजीनियरिंग का एक ही टेस्ट होता है, इसीलिए दोनों एक साथ आए थे। तो पहले हम देखते हैं बीए ऑनर्स और बीएलएलबी का एडमिशन टेस्ट का, जो आपको मिलेगा फैक्यूल्टी ऑफ आर्ट्स में। ये है बीए ऑनर्स बॉयज़, ये मदरसा के लिए, ये गर्ल्स के लिए और ये मदरसा के लिए। अब यहाँ पे तीन लिस्ट है, सेलेक्टेड लिस्ट, चांस मेमो लिस्ट और स्पेशल कैटेगरी लिस्ट। सेलेक्टेड लिस्ट मतलब कि ऑलमोस्ट जो एकदम सेलेक्टेड है वो, चांस मेमो वेटिंग लिस्ट में आ जाता है, और स्पेशल कैटेगरी लिस्ट तो आपको पता ही कैटेगरी वाइज लिस्ट होती है वो है। आइए देखते हैं इसमें से। मैं बीए ऑनर्स बॉयज़ वाले पे क्लिक कर रही हूँ। इस तरह से इनका खुलता है ये पीडीएफ, जिसमें डेट ऑफ काउंसलिंग अभी शेड्यूल के मुताबिक होगी, और वो शेड्यूल अभी तक आया नहीं है, काउंसलिंग डेट्स अभी तक आई नहीं है। ये है रोल नंबर और उनके रैंक्स, और ये जो भी काउंसलिंग का प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा एज यहाँ मेंशन्ड है, और ये इनके रोल नंबर्स हैं, और इसके साथ ही इनकी रैंक्स भी दी हुई हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं दिया जाता है, ऐसा कुछ नोटिफाइड नहीं किया जाता है। बस हाँ, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में हाँ इन्हें बताया जाता है कि कैंडिडेट्स शुड रिपोर्ट ऑनलाइन ऑन द पोर्टल counseling.amuonline.ac.in एज पर शेड्यूल नोटिफाइड सेपरेटली फॉर काउंसलिंग और एडमिशन। तो ये अभी आया नहीं, इसको भी आप देख हटा दीजिए। कैंडिडेट नॉट रिपोर्टिंग फॉर काउंसलिंग विद द स्टिपुलेटेड डेट एंड टाइम और नॉट कंप्लीटिंग द रिक्वेस्टेड स्टेप्स एज पर नोटिफाइड शेड्यूल शैल फॉरफीट हर क्लेम फॉर एडमिशन। जो स्टेप्स रिक्वायर्ड हैं वो अगर आप नहीं करेंगे और आधा अधूरा काउंसलिंग करेंगे तो आप अपना क्लेम नहीं कर सकते एडमिशन। एडमिशन विल बी ऑफर्ड एज पर रूल्स टू रिपोर्टेड कैंडिडेट सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस एंड क्लियरेंस फ्रॉम प्रॉपर ऑफिस। अभी यहाँ पे क्या होता है, जब आपका काउंसलिंग होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स को वो रिजेक्ट भी करते हैं, वो उनको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं या फिर उनके जो वो डॉक्यूमेंट्स आपके क्लियर नहीं होते, जिस वजह से वो रिजेक्ट भी करते हैं, और एलिजिबिलिटी अगर रिक्वायर नहीं कर रहे होंगे तो भी वो रिजेक्ट कर देते हैं। कैंडिडेट्स विल हैव टू प्रोड्यूस मार्कशीट्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड ऑल अदर रेलिवेंट सर्टिफिकेट्स डॉक्यूमेंट्स इन ओरिजिनल अलॉन्ग विद 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स एट द टाइम ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग आफ्टर प्रोविजनल एडमिशन। जब आपका काउंसलिंग हो जाएगा और आप पहली बार जब फिजिकल रिपोर्ट करेंगे एएमयू में अपनी क्लासेस स्टार्ट करने के लिए, तब आपको ये डॉक्यूमेंट्स और 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए होंगे। नेक्स्ट इज एलिजिबिलिटी रूल्स शैल बी स्ट्रिक्टली फॉलोड एंड शैल नॉट बी रिलैक्स्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। सिक्स्थ इज कैंडिडेट्स शुड रेगुलरली विजिट द वेबसाइट एंड कीप लॉगिंग इनटू हिज हर काउंसलिंग अकाउंट फॉर अपडेट्स। ये है इनकी लिस्ट। उसके अलावा इनकी कहाँ कहाँ कौन कौन सी एडमिशन की लिस्ट आ चुकी है वो देखिए। बीएससी एग्रीकल्चर की आ चुकी है, बीकॉम ऑनर्स और की आ चुकी है बॉयज़ एंड गर्ल्स की, बीटेक की आ चुकी है, एमएससी बीएससी ऑनर्स बॉयज़ गर्ल्स की आ चुकी है, फैक्यूल्टी फ्लॉर में बीएलएलबी की आ चुकी है, लेकिन अभी इनका कोई भी काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आया है। इसके अलावा इंटरनेशनल स्टडीज़ में बी ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेज भी आ चुका है, फैक्यूल्टी ऑफ मेडिसिन में बीएससी और बीआरटीटी आ चुका है, फैक्यूल्टी ऑफ मैनेजमेंट में एमबीए एमबीआईपी एमबीए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आ चुका है, लेकिन जो आया है वो इंटरव्यू लिस्ट है इसकी। इसके बाद इनकी मतलब ये सेलेक्टेड लिस्ट है जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है, और ये इंटरव्यू की डेट और टाइम वेन्यू सब दिया हुआ है यहाँ पर, उसके हिसाब से होगा। फैक्यूल्टी ऑफ साइंस में बीएससी है, फैक्यूल्टी ऑफ सोशल साइंस में बी ऑनर्स आ चुका है, यहाँ पे भी फैक्यूल्टी ऑफ सोशल साइंस का भी बी ऑनर्स है और फैक्यूल्टी ऑफ आर्ट्स में भी बी ऑनर्स है। तो टोटल इन सबका एक ही कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, यानी कि बी ऑनर्स का और बीएलएलबी का, वो ऑनर्स जो है वो आर्ट्स में और सोशल साइंस दोनों मिला के बता रही हूँ। एमएसडब्ल्यू की इंटरव्यू लिस्ट आ चुकी है, और आपको पता ही है कि 11th का साइंस ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स का आ चुका है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का रिजल्ट आ चुका है। दैट वॉज इट फॉर द वीडियो। अगर और कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।